गौतम गंभीर ने कर दिया इन खिलाड़ियों का करियर बर्बाद। चार नए लड़कों की गंभीर ने करवाई एंट्री। गंभीर की कोचिंग में पहली बार हुआ इस तरह से नई टीम का चयन। नाम सुनकर फैंस हुए नाराज। दोस्तों सबसे बड़ी बात, सूर्या T20 के नए कप्तान बना दिए गए हैं। इसका मतलब ये है हार्दिक पांड्या साइडलाइन हो गए हैं। हार्दिक पांड्या अब कप्तानी नहीं करेंगे। सूर्या आगे T20 में टीम इंडिया की कमान को संभालेंगे। अगला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी सूर्या ही तब तक कप्तान रहेंगे। यह पहले से ही तय था। हमने आपको लगातार खबरें भी दिखाई थी। गंभीर के एक तरीके से बहुत क्लोज हैं सूर्या, उसका फायदा मिला है। KKR के समय से गंभीर सूर्या को पसंद करते हैं और यह सबको पता था कि गंभीर के आने से सूर्या की चांदी हो जाएगी। बल्ले बल्ले स्काई द न्यू कैप्टन ऑफ T20। इसके अलावा शुभमन गिल की भी बल्ले बल्ले हो गया। शुभमन T20 के भी उप कप्तान बना दिए गए हैं। और जहां उम्मीद थी कि अगर सूर्या कप्तान तो कम से कम हार्दिक पांड्या तो उप कप्तान रहेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या साइड कर दिए गए। शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया गया है, यानी कि जब सूर्या नहीं रहेंगे तब शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या टीम में रहेंगे लेकिन कप्तानी नहीं कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर यह है कि शुभमन वनडे के भी उप कप्तान बना दिए गए हैं। ये और बड़ी अपडेट है। रोहित शर्मा कप्तान हैं वनडे के, लेकिन जब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे होंगे या फिर उनके आगे का जो भविष्य है वो शुभमन गिल का है। यानी कि हम सोच रहे थे KL राहुल आएंगे तो KL राहुल जो हैं कप्तानी करेंगे, लेकिन नहीं, वनडे का उप कप्तान भी शुभमन गिल को ही बना दिया गया है। यानी कि शुभमन के सितारे बुलंद हैं। अगली बड़ी बात, रोहित विराट दोनों वनडे सीरीज खेलेंगे। पहले खबर सामने आ रही थी कि विराट शायद आराम ले सकते हैं, लेकिन विराट ने कहा भाई रोहित खेलेगा तो मैं भी खेलूंगा। श्रीलंका सीरीज में दोनों की वापसी हो रही है। गंभीर कोचिंग करेंगे, रोहित विराट साथ में खेलेंगे, मजा आएगा देखकर। एक और बड़ी बात है, KL राहुल की वनडे टीम में वापसी हो गई है। काफी लंबे समय बाद वनडे टीम में उन्होंने वापसी की है। अगली बड़ी बात, श्रेयस अय्यर की भी वनडे टीम में वापसी हो गई है। टीम इंडिया के वनडे के दो स्तंभ एक तरीके से कह लीजिए। दोनों ने वनडे वर्ल्ड कप में जो 2023 में हुआ था भारत में, दोनों ने शानदार परफॉर्म किया था, गजब का परफॉर्म किया था। और इन दोनों की ही वजह से इंडिया जो है एकदम आखिरी पायदान तक पहुंच पाई थी, फाइनल तक पहुंच पाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी बात है कि रियान पराग की वनडे टीम में एंट्री हो गई है। T20 में तो ही हैं, वनडे टीम में इनकी एंट्री हो गई है। ऑलराउंडर हैं अच्छे, और जो डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्म किया है उसका फायदा मिला है। IPL में भी अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिला है। और आखिरकार रियान टीम इंडिया में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी बात, हर्षित राणा की भी वनडे टीम में एंट्री हो गई है। हर्षित राणा जो कि अभी इसी साल KKR के लिए खेले थे, और क्या प्रदर्शन किया था, मजा आ गया था। बहुत युवा हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं। गंभीर के साथ KKR में होने का इनको फायदा मिला है, क्योंकि गंभीर टीम इंडिया में भी आ गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्लोज देखा है, मॉनिटर किया है हर्षित राणा को, कैसी गेंदबाजी करता है, भविष्य का स्टार हो सकता है। इसलिए गंभीर उनको टीम इंडिया में भी ले आए हैं और वनडे टीम में भी शैतान की एंट्री करवा दी। अगली बड़ी बात, बुमराह जडेजा दोनों को आराम दिया गया है। बुमराह को तो खैर आराम दिया गया, उन्होंने मांगा था तो उनको आराम दिया गया है। जडेजा का मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा, मुझे लग रहा है धीमे से इनकी वनडे टीम से भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। अभी शायद आराम बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आराम नहीं, इनको एक तरीके से मैसेज दिया गया कि अब आपका हो गया, अब आप सिर्फ टेस्ट पर फोकस कीजिए, T20 वनडे भूल जाइए। T20 से वैसे ही संन्यास ले चुके हैं, वनडे से मुझे लगता है कि उनको साइड कर दिया जाएगा। अक्षर पटेल इनका बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब कुल मिलाकर क्या दोनों टीम है, किस टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, यह भी देख लीजिए। T20 टीम इस प्रकार है, सूर्या कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। यानी कि मुकेश कुमार नहीं है, सिराज को मौका दिया गया है, खलील अहमद को मौका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वनडे टीम इस प्रकार है, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा तो आपकी टीम है। तीन वनडे मैच की सीरीज खेली है, तीन ट्वेंटी मैच की सीरीज खेलनी है श्रीलंका के खिलाफ। देखते हैं, आप बताइए ये जो सिलेक्शन की बड़ी बातें हैं आपको कैसा लगा, और सिलेक्शन पर आपकी क्या राय है, जो भी राय हो कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।